नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम दो प्याज़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम 250 ग्राम, दो बड़े प्याज मोटे कटे हुए, टमाटर प्यूरी, देसी घी, हल्दी, कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, खड़ा गरम मसाला। इन मसालों में हमने दालचीनी, दो लौंग, दो छोटी इलायची और जीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में हम अदरक, प्याज और लहसुन की कुछ कलियां लेके पानी के साथ इसे पेस्ट बना लेते हैं। इसी पेस्ट में हम जो खड़े गरम मसाले लिए हैं उसे भी इसी के साथ पीस लेते हैं। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे बाउल में खाली कर लेते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और उसमें सरसों का तेल ले लेते हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें हमने एक बड़ा प्याज मोटा कटा हुआ ले लिया है और इसे तेज आंच पे तल लिया है। इसे क्रंची कर लेना है। ये हमारा प्याज क्रंची हो गया है। अब हम इसे पेट में खाली कर लेते हैं। पैन को गरम कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा देसी घी ले लेते हैं। और इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया हुआ था उसे लेके भून लेते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे पैन में जल सकता है, जिससे इसका टेस्ट भी बदल सकता है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमारा तैयार हो चुका है ये लगभग ग्रेवी। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं जो कि हमने क्रंची किया हुआ था, और साथ में ही मशरूम भी डाल देते हैं। इसमें हमने कसूरी मेथी को क्रश करके डाला हुआ है। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढककर पका लेते हैं। हमारा 2 से 3 मिनट में मशरूम तैयार हो जाता है। अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके तड़के के लिए हमने देसी घी में 1 तेज़पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च और लहसुन की कलियां और खड़ा धनिया लेके इसको अच्छी तरह से तल लिया है।
अब इसका हम तड़का डालेंगे, जो हमारा मशरूम दो प्याज़ा है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा मशरूम दो प्याज़ा रेडी हो चुका है, तो हम इसको धनिया से गार्निश कर लेते हैं। धन्यवाद।